हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सभी का एबीसी फॉर यू यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये जो आप स्क्रीन पे स्पाइरल डिज़ाइन देख रहे हैं, इस तरह का स्पाइरल डिज़ाइन आप कैसे बना सकते हैं फोटोशॉप में। तो दोस्तों, चलिए अब अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर वाले सब्सक्राइब पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल घंटी पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये जो डिज़ाइन हम बताएंगे फोटोशॉप CS6 में बताएंगे, अगर आपके पास फोटोशॉप CS6 नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंट्रोल एन करेंगे न्यू पेज लेने के लिए और रेक्टेंगल साइज का पेज लेंगे और रेजुलेशन हम 300 रखते हैं, तो ये पेज आपके सामने बन के रेडी हो जाएगा। अब देखिए, हम इसमें दो स्पाइरल डिज़ाइन बताएंगे, तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ से पोलाइगोनल टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से 5 प्रेस करेंगे क्योंकि हमें पेंटागोन बनाना है, और इस तरह से हम पेंटागोन बनाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसे। उसके बाद यहाँ से आप कंट्रोल टी करके और यहाँ से बड़ा कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसे कंट्रोल ए करके और यहाँ से सेंटर में अलाइन कर लीजिए। अगर अलाइन वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी हमने बना दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से राइट क्लिक करेंगे इस लेयर पे और रेस्टराइज लेयर, उसके बाद कंट्रोल जे कंट्रोल टी और यहाँ से अल्ट शिफ्ट को दबा के रखना है और छोटा करना है जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से, और इसको रोटेट करना है ऐसे जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से, रोटेट भी आपको कर लेना है ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इंटर कर लेना है। अब आपको एक शॉर्टकट की पता होगा, हमने कई सारे ऐसे वीडियो में बना दिए हैं, तो यहाँ से अल्ट कंट्रोल शिफ्ट और टी को दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट और टी को दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, तो ये डिज़ाइन आपके सामने कुछ इस तरह से बन जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनेगा जैसा कि आप देख सकते हैं, और हमारे पास 87 लेयर है तो ये सभी को सेलेक्ट करके या तो आप मर्ज कर लीजिए या फिर ग्रुप बना लीजिए, तो हम मर्ज कर लेते हैं और ये हमारे पास एक लेयर हो गए। अब देखिए, इसको राइट क्लिक करके और रेस्टराइज लेयर सॉरी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर लेना है, कंट्रोल टी करके इसे छोटा कर लेना है ये आप देख सकते हैं, और इसमें हमें सेंटर में 50% वर्टिकल गाइड दे देते हैं, फिर से हम हॉरिजॉन्टल 50% देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं, और एक गाइड हम यहाँ प्लेस कर लेते हैं इस तरह से कुछ ये रहा, ऐसे आपको बना लेना है, ये हमने सपोर्ट के लिए बनाया है। और यहाँ से क्या करना है आपको, पी प्रेस करना है यानी पेन टूल, और यहाँ से ध्यान रहे कि पाथ सेलेक्ट होना चाहिए, और यहाँ से आप क्या करेंगे, जूम करेंगे और इस तरह से आप एक बार माउस से यहाँ क्लिक करेंगे और एक बार यहाँ और फिर यहाँ और ये, तो कुछ इस तरह से सेलेक्ट बना लेना है और कंट्रोल के साथ इंटर कर लेना है, तो ये सिलेक्शन हो जाएगा और एक न्यू लेयर बना लेना है। उसके बाद एडिट में जाना है और यहाँ से स्ट्रोक और यहाँ से जो भी कलर लेना चाहते हैं वो आप कलर सेलेक्ट करके और यहाँ से विड्थ में 2 पिक्सल देना है, और उसके बाद ओके, तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बनेगा। सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी, तो ये आप देख सकते हैं ऐसे कुछ आपको बनाना है। उसके बाद फिर कंट्रोल जे करना है और कंट्रोल टी करना है और यहाँ से अल्ट शिफ्ट को दबा के रखना है और कुछ इस तरह से छोटा कर लेना है ये रहा, और फिर इसको ऐसे रोटेट कर लेना है आप देख सकते हैं इस कुछ इस तरह से, और इसको अलाइन कर लीजिए ऐसा जैसा कि आप देख सकते हैं ये रहा। उसके बाद इंटर, अब फिर आपको अल्ट कंट्रोल शिफ्ट और टी को दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, तो ये डिजाइन कुछ इस तरह से बनेगा जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये भी लेयर बहुत ज़्यादा है तो इसको भी हम शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल ई कर देते हैं, तो ये हमारे पास एक लेयर अलग हो जाएगा, तो अभी हमारे पास 2 लेयर है, और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट
जैसा कि आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो ऊपर वाले लेयर है तो इसको कंट्रोल जे करना है और नीचे दो लेयर को सिलेक्ट करना है जैसा कि आप देख सकते हैं, और कंट्रोल टी करके और इसे इस तरह से रोटेट कर लेना है। ये रहा ऐसे, और यहाँ से आपको क्या करना है, इसमें आपको जो आप डिजाइन बनाए हैं उसी में आपको एडजस्ट करना है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये रहा, ये हमारा इस तरह से डिजाइन बनेगा। फिर ऊपर वाले लेयर पे क्लिक करके कंट्रोल जे, और फिर नीचे वाले तीन लेयर सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी, और यहाँ से कुछ इस तरह से आपको रोटेट करना है। रोटेट करके और इस तरह से जो आपने डिजाइन बनाया है उसी के अनुसार आपको रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसको अलाइन कुछ इस तरह से कर लेते हैं और यहाँ से ऐसे। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखेगा, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और साथ में बेल घंटी तो ज़रूर दबाइएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं आपका कुछ फाइनल डिजाइन इस तरह से होगा, और ये सभी लेयर को आप चाहें तो कंट्रोल ई करके मर्ज कर सकते हैं या फिर ग्रुप भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कलर, जैसे कि अभी तो ये कलर है, इसमें कलर देना चाहते हैं तो वो आप कैसे देंगे, तो यहाँ से देखिए आपको जाना है हुई सेचुरेशन ऑप्शन में यहाँ से, और इस पे आएंगे तो ये एक एडजस्टमेंट लेयर बन जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ से आप कलर एडजस्ट कर सकते हैं। ये रहा, तो इस तरह से आप कलर मैनेज कर सकते हैं, जो भी कलर आप देना चाहें दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये डिजाइन कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिजाइन की, तो चलिए वो आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको हाइड कर देता हूँ और इसी पे हम वो डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ से आपको पोलाइगोनल टूल सिलेक्ट करना है, और यहाँ से सिक्स यानी हेक्सागोन बनाना है जैसा कि आप देख सकते हैं। सिक्स आपको यहाँ प्रेस करना है और कुछ इस तरह से आपको बना लेना है। ये आप देख सकते हैं, ये रहा, और कंट्रोल टी करके इसे आप अपने पूरे पेज में फिल कर सकते हैं जैसा कि ये आप देख सकते हैं, और राइट क्लिक करके रेस्टराइज लेयर। उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल जे और कंट्रोल टी, और इस तरह से आपको मूव करना है जैसा कि आप देख सकते हैं, और अल्ट कंट्रोल शिफ्ट को दबा के रखना है और टी को दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। तो ये कुछ इस तरह से डिजाइन बनेगा जैसा कि आप देख सकते हैं। ये ओवरलैपिंग ज़्यादा हो गया तो आपको ज़्यादा नहीं रखना है, मीडियम में लेके चलना है। और यहाँ से अब ये तो हो गया, तो अब क्या करना है, यहाँ से देखिए ये वाले यहाँ से मेरा फर्स्ट है तो इस पे क्लिक करके कंट्रोल जे कर लेना है, और यहाँ से ये एक नीचे वाले लेयर छोड़ देना है, और यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ से ग्रुप या फिर मर्ज कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा अलग डिजाइन है, और नीचे वाले डिजाइन पे क्लिक करना है और कंट्रोल जे कंट्रोल टी, और इसे छोटा करना है अल्ट शिफ्ट की सहायता से, और इसे इस तरह से रोटेट कर लेना है जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद अल्ट कंट्रोल शिफ्ट और टी को दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। तो ये कुछ इस तरह से आपका डिजाइन बनेगा जैसा कि आप देख सकते हैं। ये रहा, इस तरह से आप कंप्लीट ये डिजाइन बना सकते हैं, और फिर उसी तरह से आप ये सभी लेयर को सिलेक्ट करके और कंट्रोल ई कर दीजिए, और यहाँ से ये जो ऊपर वाले लेयर है हाइड है तो इसको शो करवा दीजिए। तो इस तरह से ये डिजाइन बनेगा। और कलर की बात करें तो यहाँ से हुई सेचुरेशन में चले जाइए, और यहाँ से कलर मिक्सअप जो भी करना है आप कर सकते हैं, और यहाँ से इसको भी हम शो करवा लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से ये दोनों डिजाइन को बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके भी मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट को रिप्लाई दूंगा। रिप्लाई देने लायक नहीं होगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ।